बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सतून में हूँ जवाद फैज़ी। हमने गुज़िश्ता दो ऐसी वीडियोस में आपको बताया कि बिफ़ोर 9/11 यानी कि 11 सितंबर 2001 से कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले क्या था अमेरिका मुसलमानों के लिए और फिर उसके बाद क्या हुआ। ये मंगल सितंबर 11/2001 की बात है। मैं रात लेट सोया और मैं चूँकि रहता था वाशिंगटन के पास ही वर्जीनिया में, लेकिन वो ट्राई स्टेट उसे कहा जाता है, दरियाओं पार वर्जीनिया, तो दरियाओं पार वाशिंगटन और पेंटागन ब्रिज से सबको नज़र आता है। सो मुझे तकरीबन 9 बज के शायद कोई 15 मिनट या 20 मिनट पे मेरे मोबाइल फ़ोन पे घंटी बज रही है और मैं सुन रहा हूँ कि घंटी बज रही है, लेकिन वो दूर पड़ा हुआ है, चार्जर पे लगा हुआ है, दूर है मैं जिस बेड पे हूँ। फिर उसके बाद मेरे बिल्कुल साइड टेबल पे जो लैंड लाइन है उसके पे घंटी शुरू होती है, बेल। तो मेरे फौरी तौर पे खटकता है कि यार ये जिसने मेरे मोबाइल पर फ़ोन किया है वो मेरे घर के नंबर पर भी कर रहा है, मेरे पर्सनल नंबर पर कर रहा है, दैट मीन्स कि कोई अपना ही है। मैंने अटेंड किया तो वो मेरे बड़े भाइयों की तरह एक दोस्त नजम साहब न्यूयॉर्क थे से, ओ फैजी की कर रहे, सुता है? हाँ जी सुता है यार, लेट सुता सा थे। वो ये पता तेन की होया? टीवी ला। अच्छा, चूँकि मैं अब रात को वो टीवी देखते देखते ही सोया था और रिमोट से मैंने बंद किया था, मैंने उसी तरह ही ऑन किया तो मैं देख रहा हूँ कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उसके अंदर तैयारे टकराते हैं और वो यूं करके, मैं एकदम से हैरान के एक ही हो गया। और उससे तकरीबन कोई एक हफ्ता पहले, 6 दिन पहले आई वॉज इन न्यूयॉर्क और हम वो चार दोस्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे गए और मुझे वो दोस्त कह रहे, ओए गल सुनो, कोई फोन शून आवे थे दसी ना कौन कौन सी, अजीब सी कैफियत हो गई ना। वो अभी ये चल रहा है कि साथ ही आ गया कि जी पेंटागन पे भी त्यारा टकरा गया है। और अब मेरी अपनी उस वक्त इस तरह की कैफियत ये थी कि मैं शलवार कमीज़ में सो रहा हूँ, मैं उसी तरह उठता हूँ, अपना कैमरा पकड़ता हूँ और मैं अपनी गाड़ी पे जाके बैठता हूँ और मैं ब्रिज पे पहुँच जाता हूँ पेंटागन, जहाँ से नज़र आ रहा है त्यारा टकराया हुआ नज़र आ रहा है। मैं वहाँ जाके, और भी कुछ कैमरा मैन पहुँचे हैं, ज़्यादा नहीं है, इब्तदाई वक्त है, फटाफट वाला वक्त है, मैं भी जाके तस्वीरें बनाना शुरू करता हूँ। मेरी ना इस तरह कमर पे एक हाथ आता है, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? मैंने यूँ देखा तो वो पुलिस वाला एक ऑफिसर, यस व्हाट आर यू डूइंग हियर? क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? उसने कहा, आर यू क्रेजी, आर यू मैड? तुम अपने इस शलवार कमीज में आ गए, तुम्हें पता कितना हसास इशू हो गया है, तुम्हें पता है उसामा बिन लादन ये वो इस्लाम मजहब नटरम बटरम, उसने बड़ी बातें सुनाई। उसने गो चेंज योर ड्रेस नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। मैं वाकई तब होश में आया हूँ कि या अल्लाह एक ही हो रहा है, वाकई ये किधर बात चली गई है, एकदम से पूरे मुसलमान और पाकिस्तानी भी उसमें शामिल है, ये बात किधर चली गई है। खैर मैं उसी तरह वापस बैठता हूँ, उसको मैं थैंक यू बोला है और मैं वापस चला हूँ। मेरे घर से पहले एक गैस स्टेशन पेट्रोल पंप था, सरदार साहब थे मंजीत सिंह, मैंने कहा चलो वहाँ जाके पेट्रोल डलवाता हूँ, साथ पूछता हूँ, एवं ज़रा हालाते हाजरा लेता हूँ। अभी मैं उस गैस स्टेशन के जाके पंप पे खड़ा ही हुआ हूँ और मैं बाहर निकलता था, उससे हेलो हाय करता था, पंजाबी बोलने का शौक पूरा करता था, अंग्रेज़ी बोल बोल के थक जाने से जबड़े दुखते थे और अंग्रेज़ी हमें कहाँ आती है वैसी जो उनको आएगी, हमें तो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आती, अंग्रेज़ी हम बोलना ज़रूर चाहते हैं लेकिन वैसे नहीं बोल पाते। खैर ये कुछ ज़रूरी भी नहीं है कि अंग्रेज़ी जिसको आती है वो बड़ा ही काबिल होता है, नो वे। पूरी दुनिया के अंदर अपनी ही लैंग्वेज के अंदर डॉक्टर भी बनाते हैं, इंजीनियर भी बनाते हैं, हमारा प्रॉब्लम है कि अंग्रेज़ी सही आनी चाहिए, बच्चे भावें तबाह कर लो, अरबी नहीं सिखानी, उर्दू सही नहीं सिखानी, पंजाबी नहीं सिखानी, सिंधी पश्तो नहीं सिखानी, बलोची नहीं सिखानी, सराइकी नहीं सिखानी, पोठोवारी नहीं सिखानी, वह अंग्रेज़ी सिखा दो भावें अपनी मादरी ज़ुबान तो दूर चला जाए। खैर इस पर फिर कभी बात करेंगे, लिहाजा
ਉਹ ਮੈਂ ਜੂਹੀ ਉਤਰਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੁੱਕ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਨੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਅਭੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਮੈਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਮੈਂ, ਵਹਾਂ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਏਕ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਕੀ ਦਾੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਕੋ ਮਾਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਯੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਪਰ, ਪੈਂਟਾਗੋਨ ਪਰ, ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੋ ਤਿਆਰੇ ਔਰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਔਰ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਇਤਨੇ ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈਂ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਸਕੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਸਟਾਈਲ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਇਸੇ ਜੋ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ੇ ਔਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਜ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਫਿਰ ਆਇਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਵਹਾਂ ਸੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਾ ਲੇਬਲ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਹੁਲੀਏ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਇਸਤਰਾਰੀ ਕੈਫੀਅਤ, ਜਾਨ ਬਚਾਣੇ ਕੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਥਰਥਲੀਆਂ ਮਚ ਗਈਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇੰਤਹਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਜੋ ਬਲੈਕ ਮੁਸਲਿਮਸ ਜਿਸੇ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਕੋ ਗੋਰੇ ਕੋ ਕਾਲੇ ਪੇ, ਕਾਲੇ ਕੋ ਗੋਰੇ ਪੇ, ਅਰਬੀ ਕੋ ਅਜਮੀ ਪੇ, ਅਜਮੀ ਕੋ ਅਰਬੀ ਪੇ ਕੋਈ ਅਫਜ਼ਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਅ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਨਾਰਥ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਐਫਰੀਕਨ ਹੈ, ਜੋ ਜਮੈਕਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਦੀਗਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੋ ਸੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਾ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਆ, ਇਬਰਾਹਿਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਉਸੇ ਡੌਨ ਕਹਿਤੇ ਥੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਸੇ ਡਰਤੀ ਥੀ, ਉਸੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲਤੀ ਥੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਚਲੀਏ ਕਿ ਨਾ ਚਲੀਏ। ਉਸਨੇ ਗਲੇ ਮੈਂ ਯੂੰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਲੋਕਟ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਣਾ, 6.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਵਾਨ ਐਨ ਚੌੜਾ ਹੁਮਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਬਹਰਹਾਲ ਵਹਾਂ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਕੋ ਯੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਕਿ ਡਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਅਕਾਇਦ ਪੁਖਤਾ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਮੇ ਤੋ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇੰਡੀਅਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਉਲਮਾ ਜੋ ਕੁਰਾਨੋ ਸੁਨਤ ਸੇ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪੜਤੇ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣੇ ਕੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਵੋ ਬਲੈਕ ਮੁਸਲਿਮਸ ਥੇ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਯੇ ਕਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸਾਜਿਦ ਮੇ ਵੀ ਆਏਂਗੇ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਏਂਗੇ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੇਲੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਥੇ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਾ ਮੁਤਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜੋ ਆਜ ਤੱਕ ਕਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਥੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਕਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਉਨ ਤਮਾਮ ਤਰ ਮਕਰੂਹਾਤ ਸੇ, ਤਮਾਮ ਤਰ ਸ਼ਿਰਕੀਆ ਅਕਾਇਦ ਸੇ ਤੌਬਾ ਕੀ ਔਰ ਦਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਮੇਂ ਦਾਖਿਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਬ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯਾ ਦੀਗਰ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਕਾਇਦਾ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਯਾ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਕੀ ਉਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਜੋ ਅਮੈਰੀਕਨ ਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਉਸਕੋ ਮਾਰੋ, ਜਹਾਦ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਫਿਰ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਕ ਕੀ ਅੰਬੈਸੀਸ, ਜੋ ਅਮੈਰੀਕਨ ਅੰਬੈਸੀਸ ਥੀ, ਉਸ ਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 9/11 ਸੇ ਰਾਈਟ ਬਿਫੋਰ 9/11 ਰਮਸਫੀਲਡ ਕਾ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਕੋ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਕੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੋ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਨਕੀ ਉਮਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ 20-25 ਸਾਲ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਹੈ, 35 ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ 9/11 ਕੇ ਵਕਤ ਅਭੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਥੇ ਯਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਥੇ ਯਾ ਤਿਆਰੀ ਮੇਂ ਥੇ ਯਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਥੇ ਔਰ ਅਭੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਉਹਨੇ ਵੋ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਥੇ, ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਥੇ। ਉਨ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸ ਇਸਕੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਜੀਏ ਔਰ ਸਰਚ ਵੀ ਕੀਜੀਏ ਕਿ ਕਿਆ ਹੁਆ। ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਥੀ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੇ ਟਿਕਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀਏ, ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਅਮਰ ਥਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥੇ, ਉਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਕੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਲੋਕ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਵਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ, ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਥੇ, ਵਹਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਥਾ ਉਨਕਾ, ਵਹਾਂ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਥੇ, ਵੋ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤੋਂ ਪਰ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਛਾਲਾਂ,
पैसे थबू ले गए, कनाडा चले गए और वहाँ बन गए बहुत नामवर कम्युनिटी लीडर, जाके पैसे के बलबूते पे, और किसी न किसी इस्लामिक सेंटर के अंदर भी जा के थोड़ी जी बिरयानी शरियानी दे दी थी, और कुछ हजरत साहब आन के करीब हो गए, ये भी किसी दिन जिक्र करेंगे इसका। लेकिन वहाँ पे एक ये चुरी सामने आई कि आखिर उस पूरी कहानी में और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उन लोगों में जो 2,977 लोग मारे गए, उनके अंदर किस कौमियत के या किस मज़हब के पैरोकार थे जो ज़्यादा उसमें जाँ बहक हुए। तो उसमें मुसलमान भी थे, उसमें क्रिश्चियन ज़्यादा थे, लेकिन ज्यू नहीं थे। क्यों? यहूदी नहीं थे। वाय? ये सवाल आज तक मौजूद है, हालांकि सबसे ज़्यादा बिजनेसेस वहाँ पे और वहाँ पे मामलात और उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जो ज़िंदा रखा हुआ था वो ज्यूज़ ने रखा हुआ था, यहूदियों ने रखा हुआ था, उनके बिजनेसमैन ने रखा हुआ था, लेकिन वो क्यों नहीं मरे? ये सवाल आज तक मौजूद है। क्या ये मकबूज़ा कश्मीर से लेके फ़लस्तीन से लेके इराक़ से लेके और दीगर ममालिक जहाँ जहाँ अपनी ख़ुद इरादियत की तहरीक थी, आज़ादी की तहरीक थी, उनको दोबारा मकसूद था? उस हवाले से जो है वो मुंतशरुल ख्यालियाँ जहन में थीं, वो गोल्स थे जो अचीव किए गए, इस पे भट्टा बैठ गया, पूरी दुनिया का बैठा, लेकिन मुसलमानों पे जो सख्त तरीन हालात आए, और अफसोस के हमारे हुक्मरानों ने भी उसमें कोई होशमंदी का दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि एक फ़ोन से लेट गए, आफिया सदीकी चली गई। मुझे याद है मैं जहाँ रहता था वर्जीनिया के अंदर, मेरे अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने अपार्टमेंट तक सरगोदा से शायद इनायत साहब थे, कफायत इनायत टैक्सी चलाते थे, वो कैब ड्राइवर थे। रात के वक्त डस 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 पूरी बिल्डिंग में ठक 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 ठक, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अपार्टमेंट का दरवाज़ा को खटखटा रहा है। मैंने वो वैन जो आया अखला आगे देखा तो उस फोर्स ही फोर्स थी, पुलिस थी और एंटी टेररिज्म स्क्वाड के लोग थे, स्वाट वो थे, और वो टक 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 बजा रहे हैं, मेरा नहीं सामने वाला दरवाज़ा। वो इनायत साहब ढाई साल तीन साल तक मैं फॉलोअप करता रहा, वो लेके गए और उसके बाद पता नहीं चला, और उसके बाद फिर मैं भी ढाई तीन साल बाद थक गया, कितना पता करूँगा, यहाँ आफिया सदीकी को कोई नहीं पूछ रहा, बल्कि कबायली इलाकों से लोग पकड़ पकड़ के अमेरिका के हवाले किए जा रहे हैं। आज जो तालिबान के लीडर हैं उनको हमने पकड़वा दिया, वो कफायत या इनायत बेचारा की सी। सो एक केस बड़ा इंतहाई अहम था, वो ज़रूर है, न्यूयॉर्क की अदालत में केस गया, एक खातून ने अपने शौहर से तलाक मांग ली। अदालत में बहस हुई कि क्यों तलाक लेना चाहती हो? वहाँ अदालतें हमें नहीं कहती कर दो जी कर दो, कहती नहीं, फिर भी एक मौका, फिर भी सोचा जाए। हमारे यहाँ भी यही है, इस्लामिक तरीका भी यही है, फिर सोचा जाए। वो तीन तलाकें बैक वक्त देने वाले के हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी बहरहाल फैसला किया है, लेकिन फिर उस पर बात करेंगे। पूछा गया, उसने कहा ही इज़ अ चीटर, बिकॉज मैं इसका ऑफिस 9 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में था, पूरी दुनिया स्यापे पै गए, और मैंने इसके मोबाइल पे कॉल की कि वेयर आर यू हनी, क्योंकि मैं तो टेंस थी कि ये ऑफिस में है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरा गिर गया है, ए अन्नी दा जेड़ा है कितने वे मरते नहीं गया। कहती इसने फ़ोन अटेंड किया, ही रिसीव्ड माई कॉल, और मैंने इसको ये कहा कि वेयर आर यू हनी, उसने कहा आई एम इन माई ऑफिस, उसने कहा वेयर इन योर ऑफिस, उसने कहा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहाँ मेरा ऑफिस है वहीं पे हूँ। उसने कहा हैं तू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो अपने ऑफिस के बेच अन्नी दिया, वो तो पूरा डिग पे है, वो तो क्लैप्स हो गया है, उसमें तो त्यारे लग गए हैं, दहशत गर्दों ने हमला कर दिया है। फिर बात ये खुली कि वो भाई साहब किसी अपनी दाश्ता महबूबा के साथ किसी होटल मोटल में इंजॉय कर रहे थे, और बेगम ने यह किया सी कि मैं अपने ऑफिस में मौजूद हूँ। उस पर वो फिर अदालत ने तलाक ठप्पा लगा दिया। ये वाक्य भी हुए पाए ना, वाक्या तो और भी बहुत सारे हुए हैं मैंने जो अपनी आंखों से देखा, और फिर एक दो वाक्य तो ऐसे हैं कि मैं तकरीबन पकड़ा ही गया, ये नेक्स्ट एपिसोड में बताते हैं। ये चंद एपिसोड, ये वो तारीख है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, और बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो उन दिनों रोज़नामा पाकिस्तान में शाया हो चुकी हैं, स्टोरीज़ भी। और जनरल मुशर्रफ साहब जब वहाँ आए, साफ़ी वहाँ आए, मैं भी वहाँ था,
गपशप क्या हुई, किस तरह प्रेशराइज किया गया, किस तरह हमने उनकी चीज़ें मान ली और कौन कौन सी चीज़ें हमने ऐवें ही मान ली, अपनी कोई शर्त नहीं रखी, क्योंकि वरना हमें वो पत्थरों के दौर में वापस भेज देते। अब तालिबान आ गए हैं, अल्लाह ताला खैर रखे और पत्थरों से भी सोना उगलना शुरू हो जाए, पत्थर भी सोना उगलना शुरू।